राष्ट्रीय संत महर्षि ध्यानानंद एवं सागर मुनि जी महाराज शांति प्रिय इनका 12 जून रविवार को नागपुर शहर में भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रीय संतों के वर्धमान नगर स्थित धनसंस लोन में 13 जून से 15 जून तक प्रतिदिन सुबह 8:45 से 10:30 तक दिव्य सत्संग एवं आध्यात्मिक प्रवचनों की ज्ञान गंगा बहेगी। सत्संग माला के जरिए जनमानस के जीवन निर्माण तथा व्यक्तित्व विकास के लिए बेहतरीन गुर भी सिखाए जाएंगे। 12 जून रविवार को नागपुर शहर में भव्य नगर प्रवेश होगा। राष्ट्रीय संतों के वर्धमान नगर स्थित धनसंस लोन में 13 जून से 15 जून तक प्रतिदिन सुबह 8:45 से 10:30 तक दिव्य सत्संग और आध्यात्मिक प्रवचनों की ज्ञान गंगा बहेगी। इस सत्संग माला के जरिए जनमानस को जीवन निर्माण तथा व्यक्तित्व विकास के बेहतरीन गुण सिखाएंगे। राष्ट्रीय संतों की दिव्य साधना, ओजस्वी वाणी और महान चिंतन उनकी सैकड़ों किताबों और हजारों प्रवचनों के जरिए पूरे देश में फैला हुआ है। संत जन श्री अजीतनाथ जैन, श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट और श्री अरिहंत ग्रुप के आग्रह पर सत्संग एवं प्रवचन माला कर रही हैं। अब तक देश के किस देशों के लाखों लोग इन राष्ट्र संतों के प्रभावी प्रवचनों का लाभ उठा चुके हैं। यह प्रवचन माला ललित प्रभा जी महाराज साहब की जो प्रवचन माला है, ये 13, 14 और 15 तारीख को वर्धमान नगर स्थित धनसंस लॉन में रखी गई है। पौने नौ से पौने दस बजे तक यह प्रवचन माला अविरत चालू रहेंगी और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंदर नागपुर सहित संपूर्ण मध्य भारत से लोग यहाँ आने वाले हैं और इस क्रांतिकारी संत के प्रवचनों का लाभ ले सकेंगे। इसमें लगभग रोज 500-700 लोगों के आसपास शहर के लोग रहेंगे और 1000 के आसपास लोग रहेंगे टोटल। शोभा यात्रा का स्वरूप ऐसा है कि ये कोठारी ज्वेलर्स के यहाँ से अजीतनाथ जैन मंदिर सभी समाज बंधुओं के साथ में महाराज जी की अगवानी होगी। उस अगवानी के अंदर बैंड बाजों के साथ में उनका शोभा यात्रा के दौरान उनका स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें कि इन राष्ट्र संतों के शहर आगमन पर उनकी भव्य अगवानी की जाएगी। 12 जून रविवार को सुबह 7:30 इतवारी के करण कोठाली ज्वेलर्स से सत्संग शोभा यात्रा का श्री गणेश हो गया, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए 8:45 पर अजीतनाथ जैन मंदिर पहुंचेगी। इस दौरान जीवन को कैसे स्वर्ग बनाए, इस विषय पर वे संबोधन करेंगे। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।